अब हम मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, और आज के इस कार्यक्रम में न केवल इस कन्वेंशन सेंटर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी उपस्थित प्रदेश के सभी अनुदेशक और रसोईयागण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब ने भी अपना अनुभव यहां पर बताया है। क्या आप लोग कार्य कर रहे हैं, इन सभी बातों को बहुत नजदीक से पिछले 4.5 वर्षों के अंदर मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और कहा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में या प्रदेश के अंदर अनेक विभागों में जो परिवर्तन हुए हैं, वह परिवर्तन लोगों की धारणा को, प्रदेश के बारे में जो लोगों की धारणाएं थी, देश और दुनिया की धारणाएं थी, उसको बदलने में हमें काफी हद तक मदद मिली है। एक व्यक्ति नहीं, एक सामूहिक प्रयास का ही प्रयास है। जब सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तब सरकार को सफलता प्राप्त होती है। और बेसिक शिक्षा परिषद में आपके सहयोग के बगैर परिवर्तन हो पाना अत्यंत दुर्लभ होता है। आज आप यहां पर आए हैं, बहुत सारे लोगों को हम यहां पर बुला नहीं पाए, वे लोग अपने अपने जनपदों में उपस्थित होंगे, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे लगता है कि 2017 में अगर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए होते, और स्कूल अगर बंद हो गए होते तो मुझे लगता है कि स्कूल के बंद होने के साथ आप में से बहुत सारे लोगों की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई होती। याद करिए, जब मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग स्कूलों में गया था तो तेजी के साथ छात्रों की संख्या घट रही थी। और हमने 2017 के जुलाई में स्कूल चलो का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया था, और स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के बच्चों को स्कूल में आने के लिए अधिक से अधिक संख्या में उनका नामांकन कराने, स्कूल में उन्हें लाने, और आप सबसे मैंने इस बारे में उस समय अपील की थी कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, अन्य जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, वे सभी लोग एक प्रयास करें कि वे घर घर जाकर के एक एक परिवार से संपर्क करें, संवाद करें। परिणाम सार्थक रहा। पिछले 20-22 महीनों की बात छोड़ दें तो प्रदेश के अंदर इन 4.5 वर्षों के दौरान 54 लाख बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूलों में पढ़े हैं। और अगर आप सोच सकते हैं कि ये संख्या जिस तेजी के साथ 2017 के पहले घट रही थी, अगर ये सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहा, मुझे याद है मेरा एक शिक्षक बहुत पुराना परिचित था, वो मुझसे मिलने के लिए आया, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे आना हुआ, उसने कहा कि मैं इसलिए आपसे मिलने के लिए आया हूं कि हमारे स्कूल में केवल 3 बच्चे बचे हैं और अगले वर्ष उनमें से एक बच्चा 5वीं पास करके चला जाएगा, 2 बच्चे बच जाएंगे, वे भी पता नहीं भेजते कि नहीं भेजते हैं, इसलिए मेरा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता। तो मैंने कहा भाई, जब आपके कारण वो संख्या घटते घटते 3 तक पहुंच पाई है, पहुंच गई है, तो फिर आगे आप अपने आगे की यात्रा क्यों तैयारी करना चाहते हैं, आप भी तो उसी प्रकार की तैयारी करिए। आप जाइए अपनी पूरी टीम को लेकर के गांव में घर घर जाइए, अच्छा माहौल बनाइए, और स्कूल में इस लायक माहौल बनाइए कि जिससे स्कूल को हम
आगे बढ़ा सके, लोगों के विश्वास का प्रतीक बन सके। और उसने सचमुच मेहनत किया। उसने पहले वर्ष मेहनत किया तो 3 से बढ़कर के संख्या 45 हुई और 45 से बढ़कर के वर्तमान में 350 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। टीम वर्क का परिणाम क्या होता है ये यहां पर देखने को मिला है। और मैं आज आप सबसे यही कहना चाहता हूं, 54 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वैसे ही नहीं पढ़े हैं, उसके पीछे वहां पर कार्यरत शिक्षकों, अनुदेशकों और अच्छा और गर्म भोजन खिलाने वाले रसोइयों का भी योगदान है। जब सब लोगों ने सहयोग किया तो फिर ये चीजें आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया। ऑपरेशन कायाकल्प का मतलब सरकार के द्वारा नहीं, जन सहभागिता से हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के कायाकल्प को करेंगे। आखिर उस स्कूल से कोई पढ़ा होगा, कुछ तो होगा, कोई सांसद होगा, कोई मंत्री होगा, कोई विधायक होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई ग्राम प्रधान होगा, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य होगा, कोई जिला पंचायत का सदस्य होगा। ये जितने भी लोग आए हैं आखिर किसी स्कूल से तो आए होंगे। इनकी संख्या तैयार करना, इनको इनके विद्यालय के साथ जोड़ना और पुरातन छात्र परिषद के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, ये दोनों के लिए यादगार होता है, विद्यालय के लिए भी और उस छात्र के, उस पूर्व छात्र के लिए भी। इसके माध्यम से पहला प्रयास हमने किया। फिर बेसिक शिक्षा परिषद से कहा गया कि हर एक शिक्षक इस बात को नोट करेगा, हर एक बेसिक शिक्षा परिषद का अधिकारी एक एक विद्यालय गोद लेगा, हर प्रशासनिक अधिकारी को, हर पुलिस अधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को। और आज आपके 156,000 जो विद्यालय है प्रदेश के अंदर, इनमें से 130,000 विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अच्छी फ्लोरिंग हो गई, अच्छा रंग रोगन हो गया। जो पहले पेड़ सड़कों पे नहीं बल्कि यानी जंगल में नहीं बल्कि बेसिक शिक्षा विद्यालय में जो पेड़ उगे रहते थे, आज वहां से पेड़ हट गए हैं, विद्यालय साफ सुथरा दिखता है। वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो गए, पेयजल की सुविधा अलग अलग हो गई। ये सभी सुविधाएं नहीं, वे जाते थे कितनी भद्दी यूनिफॉर्म उनके पास रहती थी, कैसी स्थिति रहती थी। हम लोगों ने आने के बाद 2 यूनिफॉर्म किया, हर बालक और बालिका के लिए अच्छी 2 यूनिफॉर्म, बैग दिया, बुक्स दिया, जूते मोजे दिए और सर्दियों के लिए स्वेटर भी दिया। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1,82,00,000 बच्चों को हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। और अब तो इस वर्ष से, पिछले 2 वर्ष के अंदर हम लोग देख रहे थे कोरोना महामारी है, तो कोरोना महामारी में जब देखा गया कि समस्या हो रही है तो हम लोगों ने 1,100 रुपये का इस पूरा पैकेज पड़ता था, 1,100 रुपये सीधे अभिभावक के खाते में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज ये पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है। अब जो आरोप प्रत्यारोप लगते थे कभी शिक्षकों पर, कभी बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों पर, कभी किसी अन्य पर, आज आरोप प्रत्यारोप बंद, पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा। इस दौरान शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया। बहुत सारे अनुदेशक ऐसे हैं जिनकी बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक के रूप में उनकी तैनाती हुई। बहुत सारे लोग ऐसे थे, रसोइया ऐसे थे जिनको जबरन ग्राम प्रधान या किसी अन्य के द्वारा निकाला जाता था, उस पर रोक लगाई गई, उनको एक सुरक्षा कवच दिया गया। कोरोना कालखंड में हरेक व्यक्ति को प्रदेश के अंदर सुरक्षा की गारंटी दी गई, जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई हुई। और प्रदेश के अंदर 126,000 से अधिक तो बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने शिक्षक ही तैनात कराए, यानी उनकी नियुक्ति कराई, बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई। अन्य स्तर पर भी विभाग के अलग अलग स्तर पर नियुक्तियां की गई। ये सभी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुए और सफलतापूर्वक कार्य संपन्न होने के बाद आज बेसिक शिक्षा परिषद ने भी कुछ नए प्रयोग प्रारंभ किए।
तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को और बेहतर कर सकते हैं, इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। आज उसका बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और इसीलिए जब हम लोग आज यहां पर बैठे हुए हैं, याद करिए तमाम राज्यों ने और दुनिया के तमाम देशों ने कोरोना महामारी के दौरान अपने यहाँ के कर्मचारियों के अपने अन्य सभी खर्चों को कम करते हुए सबसे बड़ी काज उन्होंने अपने यहाँ के कर्मचारियों पर डाली। तमाम राज्यों के नाम आपके पास होंगे जिन राज्यों ने अपने यहाँ कर्मचारियों के मानदेय और वेतन में भारी कटौती की, 30-30% तक कटौती की। उत्तर प्रदेश ने किसी भी कर्मचारी के मानदेय वेतन में कोई कटौती नहीं की। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं हमारे पास, लेकिन किसी की कटौती नहीं की। हमने व्यवस्था को अनवरत उसी रूप से आगे बढ़ाया, हमने फिजूल खर्च को पहले वर्ष में रोका, लीकेज जितने थे सबको मजबूती के साथ रोका, और जहां कहीं भी गुंजाइश होती थी कि यहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सख्ती से उससे निपटने का कार्य किया। उसका परिणाम रहा कि प्रदेश में फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न की योजना का लाभ प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया, और खासतौर पर अन्न योजना का लाभ तो प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग ले रहे हैं। फ्री में वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया, और आज इसीलिए जब यहां पर इस संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है, मेरे सामने बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चीजों को यहां पर बताया है, कुछ चीजें जो यहां पर इन लोगों का कहना था, खासतौर पर अनुदेशकों के बारे में और दूसरा रसोइयों के बारे में। अनुदेशकों की संख्या प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27,546 है, और ये सभी अपने अपने विद्यालयों में इन लोगों को जहां पर तैनाती दी गई उस तैनाती के अंतर्गत ये लोग अपनी सेवाएं वहां पर प्रदान कर रहे हैं। रसोईया पूरे प्रदेश के अंदर 3,78,000 की संख्या में विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, और वहां पर लेकिन तकलीफें दोनों की थी। एक तरफ अनुदेशक अपनी बात को लेकर के कहते, एक तरफ रसोईया अपनी बात को लेकर अपनी बात कहते हैं, दूसरी तरफ सरकार की अपनी मजबूरियां भी होती है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाए उन स्थितियों में तो और भी संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब की परवाह के बगैर सरकार ने कोरोना प्रबंधन के अपने कार्य को तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया। और आज इस अवसर पर जब रसोइयों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को और अनुदेशकों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इसी बात को कहना चाहता हूं जो मांग यहां पर की गई थी, रसोइयों के मानदेय को 1,000 से 1,500 रुपए करने का कार्य भी हमारी सरकार ने 2019 में किया, 18 में किया, और 19 से इसको लागू भी कर दिया गया। और आज इनकी कुछ और मांग है, इसके मानदेय के साथ साथ कुछ और मांग है, इसलिए आज के इस अवसर पर हम लोग कुछ कार्य यहां पर करना चाहते हैं। खासतौर पर एक तो आंगनबाड़ी की तर्ज पर इन लोगों ने ड्रेस की मांग की है, और मैं आज कहना चाहता हूं कि इनको हम इनको रसोईया जितने भी हैं उनको वर्ष में 2 साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा, रसोइयों से हर एक रसोईया का खाता खुलवाएंगे। हर एक रसोइये को प्रयास होना चाहिए कि हर एक रसोइया को हम लोग 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर के साथ भी जोड़ें, जिससे उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके, और उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वह इनका लाभ मिलना चाहिए। नवीनीकरण के समय स्कूल में पाले के पढ़ने की बाध्यता के बारे में अक्सर होता था, और दूसरा मनमाना पर निकालने की व्यवस्था, गंभीर शिकायत है तो वहां पर एक टीम बना करके उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। लेकिन
मनमानेपन तरीके से नहीं होना चाहिए, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके बारे में विभाग एक बार व्यवस्था कर ले कि विद्यालय में इन चीजों की बाध्यता नहीं। कोई गरीब महिला किसी विद्यालय में अगर रसोई बनाने का काम कर रही है, उसकी मजबूरी है, उसके घर की व्यवस्था उसी से संचालित भी होती है। इसलिए मनमानापन हटाने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। पाले की बाध्यता की व्यवस्था के बारे में भी विचार करते हुए किया जाना चाहिए कि यह व्यवस्था न हो। अगर कोई अच्छा कार्य करना है तो उदाहरण बच्चों के साथ उसका एक आत्मीय संवाद होता है, उस आत्मीय संवाद को बनाए रखने के लिए उसकी सेवा को हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें। उस इन दो प्रकार की बाध्यताओं को समाप्त करें और प्रतिमा 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहाँ पर की जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी रसोइयों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अंशकालिक अनुदेशक है, अनुदेशकों को अब तक हम लोग 7,000 रुपए प्रतिमाह यहाँ पर देते रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जब आपकी तैनाती की कार्रवाई हुई थी 2009 में और उसके भारतीय के अंतर्गत जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी थी, 2013 के बाद से कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ती गई, लेकिन बाद में आरटी के अंतर्गत पहले भारत सरकार ने ही इस पर प्रदेश सरकार के साथ कहा था कि इन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, वह व्यवस्था वहां पर एक प्रकार से खंडित सी हो गई। राज्य सरकार को सारी व्यवस्था का भार स्वयं उठाना पड़ रहा है और उन स्थितियों में भी राज्य सरकार किसी भी अनुदेशक की सेवाएं समाप्त नहीं किया, बल्कि उनकी सेवाओं को यहां पर प्रदेश के अंदर बनाए रखते हुए अभी भी उन लोगों को, यानी हमारे पास लगभग 1.25 लाख नए शिक्षकों की तैनाती होने के बाद भी उनकी सेवाओं को आगे निरंतरता बनाए रखने की कार्रवाई सरकार कर रही है। और हमारी मंशा भी है कि हम उनकी सेवाओं को लेकर के एक सुविचारित मत लेकर के आगे बढ़े, जिससे उनकी सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना आने पाए। और आज के इस अवसर पर जब यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर अनुदेशक हैं और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी अनुदेशक वहां पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इस अवसर पर जो यहाँ पर मेरे पास प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में कुछ और बढ़ोतरी करते हुए हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानते हैं इसमें प्रतिमाह हम लोग 2,000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे उनके मानदेय को हम एक सम्मानजनक स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। इसके साथ ही अनुदेशकों के साथ बैठ करके विभाग इस बारे में एक सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में उनकी सेवाओं को कैसे हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें, जिससे उनके पास एक जॉब की गारंटी हो सके। आप इस बात को देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह जहां पर सरकार ने, तमाम राज्य सरकारों ने मानदेय में कटौती की है, वहीं राज्य सरकार इस मानदेय में बढ़ोतरी का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी अनुदेशकों को, रसोइयों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आप सब बेसिक शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।